नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। पूर्व कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए भाजपा का दामन थामा है। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी सभी को साथ ले भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। सलूजा के पार्टी छोड़ने के बाद अब सियासी पारा भी गर्मा गया है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कहा, पार्टी ने सलूजा को उनके आचरण के चलते पहले ही निष्कासित कर दिया था। सत्ता और पद की लालच में सलूजा ने पार्टी छोड़ा है, जिससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नेता जब जाना चाहे जा सकते हैं। भैया, ये नरेंद्र सलूजा ने भाजपा ज्वाइन कर ली है और क्या मानते हैं इससे, क्योंकि भाजपा ने काफ़ी टिप्पणी की है। उन्होंने बोला कि बड़ा विकेट डाउन किया है हमने कांग्रेस का, क्या मानते हैं? चुनाव भी आ रहा है और इसको किस नजरिए से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता हो या बड़ा नेता हो, अगर मच्छर भी मारते हैं तो बहुत तेज से आवाज़ करते हैं और मारते मच्छर हैं, तो उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक नरेंद्र सलूजा जी, जो प्रवक्ता अपने आप को बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, उनके जैसे मच्छर को अपने तरफ ले लिया है, तो बता रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा जो है कांग्रेस के बहुत बड़े नेता कद्दावर साथी हमारे पास आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ज्ञान होना चाहिए, उनका ज्ञान थोड़ा सा अधूरा है, खासतौर से नरोत्तम मिश्रा जी, विधायक रामेश्वर शर्मा जी और शिवराज जी चौहान सदस्यता दिला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 13 नवंबर को ही नरेंद्र सलूजा जी को निष्कासित कर दिया था। अब पिछले 2 साल से वो 2-3 बार गलतियां की, माफ़ी मांगे, फिर एंट्री हुई, जब ये हुआ कि इनमें सुधार नहीं हो रहा है तो इन्हें निष्कासित पार्टी ने कर दिया था। नरेंद्र सलूजा जी अब बात कर रहे हैं कि हम जाग गए, तो पिछले 20 सालों से वो सो रहे थे क्या? उस उम्र में उनकी तो शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, पूरा परिवार पालते हैं, इतने बड़े व्यक्ति हो गए हैं वो, लेकिन अचानक 20 साल बाद जागे। उन्हें सरताज सिंह जी से, बब्बू से और आडवाणी जी से ज़रूर पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है। और गद्दार, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो पद के ललोहित व्यक्ति हों, वो अगर जाने से, कांग्रेस पार्टी के यहाँ से जाने से गद्दार गद्दारी कहलाएगा, तो नरेंद्र सलूजा जी ने जो आज काम किया है वह गद्दारी की श्रेणी में इसलिए आता है कि वो हमारे कोर ग्रुप की कांग्रेस की बातें जो हैं भारतीय जनता पार्टी से शेयर कर रहे थे, अब वो समाज धर्म जागने की बात कर रहे हैं। तो समाज और धर्म तो जगा हुआ है, गुरु नानक देव जी भी पूरे देश का भ्रमण किए और वो जोड़ने की बात किए, समाज से समाज को जोड़ने की बात किए, उन्होंने समाज से समाज को तोड़ने की बात कभी नहीं की। हम उस धर्म के अनुयायी हैं, तो नरेंद्र सलूजा जी को भी गुरु नानक देव जी के मार्ग में चलते हुए धर्म को जोड़ने की, समाज को जोड़ने की बात करनी चाहिए, अलगाव उन्माद पैदा करने की बातें नहीं करनी चाहिए। पद की ललायता उनकी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी के साथ राइट और लेफ्ट रहते थे, उनका पूरा ट्यूटर और ये सब चीज़ें हैंडल करते थे, तो पद का जो बल्लभ भवन का प्यार था, वो बल्लभ भवन का प्यार उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर खींच के लेके चला गया और शिवराज सिंह चौहान के हाथों तो सदस्यता ली। और खींचा इसलिए गया कि जब आदमी घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो कहीं ना कहीं तो वो जाके मुंह मारेगा ही, तो भारतीय जनता पार्टी में मुंह मारने गए। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की रैली सफल है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। महाराष्ट्र के अंदर A+ स्थिति थी, मध्य प्रदेश के अंदर 2 से 3 लाख लोगों ने स्वागत किया, तो भारतीय जनता, ये तो पहले से तय था, मीडिया में भी खबरें आ रही थी आप लोगों के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी कुछ गड़बड़ घोटाला करने की स्थिति में है, विधायकों को ले जाना, इसको ले जाना, खरीदना। अगर आप पूरे देश के अंदर आप सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को मानने लगे तो फिर लोगों को ले जाने की क्या जरूरत है? अपने ही घर के बच्चों को तैयार करके आगे बढ़ाइए ना, क्यों लेके लोगों को ले रहे हैं? तो लोगों को लेके आप कौन सा मजबूत हो जाएंगे? आप अपने घर के बच्चों को तैयार कीजिए, अगर आपकी पार्टी सबसे मजबूत है तो। नरोत्तम मिश्रा जी अपने घर देखें पहले दतिया के अंदर, फिर वो प्रदेश और देश की बात करें। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या घर का वेदी लंका ढा सकता है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो ऐसा ही होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अब घर का अपनी लंका ढाएंगे, कोई दूसरा ढाने वाला नहीं। कमलनाथ जी काफी करीबी थे, कई जानकारी सेंध तो कांग्रेस में लगी,
ये कांग्रेस में सेंध नहीं लगी। कांग्रेस ने तो 13 नवंबर को निष्कासित कर दिया था, और आपने इससे पहले भी देखा होगा कि जब के मिश्रा जी को पद में बैठाया गया था तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, फिर वो माफ़ी मांग के अंदर आए थे। अगर आपको सब लोकतंत्र के आप प्रहरी हैं, देखते सुनते हैं, और आप लोगों कांग्रेस हो भाजपा हो, वहाँ पर आपकी बिल्कुल नज़रें गड़ी रहती हैं। मैं ये कह रहा था, ये कमलनाथ जी के काफ़ी करीबी थे, काफ़ी चीज़ें उनकी जानते थे, तो क्या ये चीज़ें अगर शेयर होंगी तो क्या कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी गद्दारों के साथ जो सरकार बना रही है, गद्दारों के साथ जो सरकार चला रही है, नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का होना है। अगर टाटिया बिल्स के यहाँ राहुल गांधी जी का जाने का बात बाहर आ गई तो शिवराज सिंह को भी जाना पड़ गया, नरेंद्र मोदी जी को भी आदिवासी की बात करनी पड़ी, राष्ट्रपति आदिवासी बनाना पड़ा। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस के पद चिन्हों में जो है भारतीय जनता पार्टी पीछे पीछे चलना चाहती है। तो चुनाव के कांग्रेस के लोग जोड़ने की बात करते हैं, क्या उम्मीद है विधानसभा चुनाव तक के आपकी तरह से विकेट गिर सकते हैं? देखिए, कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी दोनों हमारे वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो जाना चाहता है वो जा सकता है, जो आना चाहता है उसका स्वागत है। जिसको नाथूराम गोडसे का विचार पसंद है वो नाथूराम गोडसे के साथ की पार्टी में जाएगा, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। जिसको भारत जोड़ो यात्रा पसंद है, देश जोड़ना पसंद है, गांधी के विचारधारा पसंद है, वो कांग्रेस के साथ जाएगा। हर व्यक्ति का अपना अपना, और जिसको जाति की राजनीति करनी होगी तो वो छोटे छोटे दल जातियों में भी हैं, समाजवादी में भी हैं, बहुजन समाज में, वहाँ चला जाएगा। जिसको जहाँ जिसकी सुविधा होगी वहाँ वो राजनीति करता है। जिसको विचार पसंद है, जिसको देश पसंद है, वो कांग्रेस के अंदर रहेगा।